हेलो मॉमीज, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। जनरली एडमिशन से पहले हम घर में बच्चे को लिखाना स्टार्ट कर देती हैं, जैसे ABCD हो गया, 1 2 3 हो गया। हमें लगता है कि अगर बच्चा थोड़ा बहुत घर पर सीख लेगा तो उसे स्कूल में आसानी होगी। बट अगर इसके लिए आप कुछ बुक्स ऐसी ABCD 1 2 3 वाले बच्चे को लाकर देंगे, पेंसिल देंगे और कहेंगे चलो लिखना स्टार्ट कर दो, तो वो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो पेंसिल कैसे पकड़े, किस फिंगर्स को यूज करे और कहाँ स्टार्ट करे, कहाँ एंड करे, और यहां तक कि उसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन और दूसरी लाइनों में फर्क भी नहीं पता होता। इसीलिए अगर आप बच्चे को घर पर लिखाना चाहती हैं तो उससे पहले बच्चे को कुछ प्री राइटिंग स्किल्स सिखानी होंगी। आज के वीडियो में हम देखेंगे ये कौन सी प्री राइटिंग स्किल्स हैं जिसकी मदद से बच्चा आसानी से लिखना सीख लेगा। फर्स्ट डे आप बच्चे को एक व्हाइट पेपर दे दीजिए और कुछ कलर्स दे दीजिए, कुछ इस तरह के क्रेयॉन्स, और बच्चे को कहिए कि इस पेपर पर कुछ भी लिख दे अपने मन से, कुछ भी स्क्रिबल कर दे। बच्चा जब कलर्स यूज करेगा उसका इंटरेस्ट बना रहेगा, और वो जब स्क्रिबल करेगा इस तरह से तो वो अपने रिस्ट को और फिंगर्स को, हैंड को यूज करना सीखेगा, और स्क्रिबल करते वक्त वो उन्हें कंट्रोल करना भी सीखेगा। 2 से 3 दिन तक बस व्हाइट पेपर और कलर्स, इसके सिवाय और कुछ नहीं, बस उसे स्क्रिबल करने दीजिए। उसके बाद बच्चे का ही कोई भी स्क्रिबल किया हुआ पेपर लीजिए और बच्चे को कहिए कि अरे वाह, तुमने तो स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर दी है, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर दी है। इससे बच्चे को एंकरेजमेंट मिलेगा जब आप उसके स्क्रिबलिंग की हुई लाइन्स को नेम्स देंगे। उसे डॉट डालना सिखाइए इस तरह से, ताकि बच्चे की स्क्रिबलिंग जो है वो कंट्रोल में रहे और वो पेपर के बाहर स्क्रिबल ना करे बट पेपर के अंदर ही स्क्रिबल करे। इससे बच्चा अपने हाथ का मूवमेंट को कंट्रोल करेगा और अच्छे से लाइंस ड्रॉ कर पाएगा। फिर हम बच्चे को स्क्रिबल कंट्रोल करना सिखाएंगे। एक व्हाइट पेपर ले लीजिए और उसमें कुछ इस तरह के 2 सर्कल्स उतारिए, एक बड़ी और एक छोटी, और बच्चे को 2 कलर्स दे दीजिए और उसे कहिए कि इसके अंदर स्क्रिबल करें, एक कलर से और इसके अंदर दूसरे कलर से। इससे क्या होगा, बच्चे को समझ आएगा कि ये बाउंड्री है और इसके बाहर बच्चे को स्क्रिबल नहीं करना है, तो समझ जाएगा कि यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ एंड करना है। इसकी मदद से बच्चे लाइन के अंदर लिखना सीखेंगे। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जब लिखते हैं तो वो इस तरह से लाइन के बाहर आ जाते हैं, जबकि उन्हें ऐसे लिखना होता है। तो ये जब स्क्रिबल कंट्रोल आप उन्हें सिखाएंगे तो उन्हें पता होता है कि कहाँ स्टार्ट करना है और कहाँ एंड करना है। इन सबको हम प्री राइटिंग स्किल्स कहते हैं, जिसे हम बच्चों को घर पर सिखा सकते हैं उन्हें लिखाना स्टार्ट करने से पहले। आप इन जंबो कलर्स का यूज करिए ताकि बच्चों का ग्रिप अच्छा रहे। पेंसिल मत यूज करिए स्टार्टिंग में, क्योंकि पेंसिल बहुत पतली होती है और कलर्स की मदद से बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहता है। नेक्स्ट हम बच्चे को रफली स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना सिखाएंगे। जैसे कि आप क्या करिए, एक पेपर पर उसे एक अम्ब्रेला इस तरह की ड्रॉ करके दे दीजिए और कहिए कि ऊपर से बारिश ड्रॉ कर दे, कुछ इस तरह से। बस उसे पता होनी चाहिए कि वो स्लीपिंग लाइन्स ड्रॉ कर रहा है। इससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा। उसके बाद आप एक फिश उतार दीजिए और कहिए कि पानी ड्रॉ कर दे, बच्चा कुछ इस तरह से ड्रॉ करेगा। उसे बताइए कि ऐसे ड्रॉ करे स्लीपिंग लाइन्स, चाहे जितनी बड़ी हो जितनी छोटी हो कोई बात नहीं, बस उसे पता होना चाहिए कि ये स्लीपिंग लाइन्स है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप बच्चों को डॉट्स की मदद से ट्रेसिंग कराते हुए स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंट लाइन, कर्व और इन्वर्टेड कर्व सिखा दीजिए। उन्हें कलर्स दीजिए ताकि वो अच्छे से ट्रेस कर सके, इस तरह से, इस तरह से। बाद में आप कुछ डॉट्स दे दीजिए और उन्हें कहिए कि वो ज्वाइन कर दे इस तरह से। बच्चे को चाहे तो कलर भी करने दीजिए डॉट्स को ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि बच्चों को कलर करना पसंद होता है, तो ये सब एक्टिविटीज वो कलर्स यूज करके बहुत अच्छे से कर देंगे। आपने देखा होगा ट्रेसिंग के दौरान कुछ बच्चे इस तरह से ट्रेस करते हैं, ये इसलिए क्योंकि उनकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होती, या फिर कुछ बच्चे बहुत लाइट से ट्रेस करते हैं क्योंकि उन्हें पेंसिल ग्रिपिंग का आइडिया नहीं होता।
तो पेंसिल ग्रिपिंग जो है, फाइन मोटा स्किल्स और ये जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, ये बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए जब वो लिखना स्टार्ट करें। तो ये सब आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखकर बच्चों को सिखा दीजिए ताकि वो अच्छे से लिख पाए। उसके बाद बच्चा जब ये सब लाइन सीख जाए, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, इन्वर्टेड कर्व, लेफ्ट स्विंग, राइट स्विंग एंड स्लैंट लाइन, उसके बाद आप बच्चे को एबीसीडी स्टार्ट कर सकती है। बट आपको पहले ए नहीं सिखाना है, आपको वो लेटर्स सिखानी है जो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के कॉम्बिनेशन से बनी है, जैसे कि ई एफ आई एल टी। जैसे मैंने कहा, आपको पहले स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन वाले लेटर्स सिखानी है बच्चों को, ई एफ आई एल टी। उसके बाद आते हैं स्लैंट लाइन वाले लेटर्स जो है ए एम एन वी डब्ल्यू वाई जेड, फिर कर्व लेटर्स जैसे सी एन डी। एक बात का ख्याल रखें, जब आप बच्चों को लेटर्स सिखा रही हैं जैसे कि ए हो गया, तो डिफरेंट कलर्स यूज करें। जैसे मैंने यूज किया है यहाँ पे रेड एक स्लैंट लाइन के लिए, दूसरा ग्रीन दूसरे स्लैंट लाइन के लिए, ब्राउन स्लीपिंग लाइन के लिए। इससे क्या होगा, बच्चा जब ट्रेस करेगा उससे आइडिया होगा कि ये एक लाइन है जो यहाँ एंड होती है, यहां से स्टार्ट करके दूसरी स्लैंट लाइन स्टार्ट होती है और ये तीसरी स्लीपिंग लाइन है। इससे बच्चे को लिखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी और वो लेटर प्रॉपरली सीख पाएगा, लिखना सीख पाएगा। सो मॉमीज, बच्चों को लिखना स्टार्ट कराने से पहले घर पर इन सब प्री राइटिंग स्किल्स को जरूर प्रैक्टिस करवाएं और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। थैंक यू माई सब्सक्राइबर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।